भाई आ गए आपके लिए एक और वीडियो लेके। अभी आपके सामने देख पा रहे हो ऑल्टो K10, और ऑल्टो K10 का आप ये जो वेरिएंट देख पा रहे हो वो है अपना VXI वेरिएंट। VXI वेरिएंट में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप इससे नीचे वाला वेरिएंट भी लेना पसंद नहीं करेंगे, ना ही ऊपर वाला, क्योंकि ऑल्टो गाड़ी वो चलाता है जिसे अपना काम पे जाना होता है या फिर वो कहीं छोटे शहर में लेता है या जिसकी पहली गाड़ी होती है। तो पहली गाड़ी के हिसाब से ये मतलब 20-30-25 हज़ार पे आपको इसमें वेरियंट चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। तो साइड की लुक ऐसी है कुछ, फ्रंट की मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। साइड का मैंने आपको पार्शियल लुक दिखाया था, फ्रंट में आपको कुछ ऐसा लुक मिल जाता है। तो बिल्कुल ये नया वेरियंट देखने को मिलता है, नई जनरेशन ऑल्टो K10 की आपको प्रोवाइड कर दी है कंपनी ने। और फिलहाल जो ग्रिल की अगर बात करें तो मैट फिनिश में आपको देखने को मिलती है, नॉर्मल ब्लैक ग्रिल आपको अब देखने को मिलेगी। क्रोम वगैरह का ज़्यादा काम नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको लोगो देखने को मिलेगा मारुति का क्रोम के अंदर। और बाकी हेडलाइट की अगर बात करते हैं तो हेडलाइट आपकी नॉर्मल हेलोजन देखने को मिल जाएगी, रिफ्लेक्टर बेस्ड, और कोई भी अपना इसमें जो है फॉग लैम्प का प्रोविजन नहीं दिया गया है। और बाकी जो व्हील की अगर बात करें तो 13 इंच के देखने को मिल जाते हैं, प्रोफाइल है 145/80R13। तो ये अपना प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, व्हील कवर आपको देखने को मिल जाते हैं। व्हील कवर ये भाई व्हील कवर जो है मेटल के देखने को मिलते हैं, तो अच्छी बात है ये मेटल के प्रोवाइड करे गए हैं। और बाकी हैंडल्स जो हैं वो अपना नॉर्मल ऐसे देखने को मिलते हैं पुराने स्टाइल के। और बाकी टेल लैंप्स की बात करें पीछे तो अपना नॉर्मल सारा हेलोजन का सेटअप अपना देखने को मिलता है, रिवर्स और स्टॉप लैंप और जो इंडिकेटर है वो अपना सारा जो है हेलोजन में देखने को मिलेगा। ये अपना क्रोम में अपना इसका ये बैजिंग देखने को मिल जाएगी, ये इसका लोगो देखने को मिल जाएगा और ऑल्टो की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। K10 अपना रबड़ वाले उसमें लोगो में देखने को मिलेगी, आप समझ गए होंगे कौन सा कह रहा हूं मैं। और बाकी साइड में अपना फ्यूल लिड आ जाता है, और इस वेरिएंट में आपको ऊपर एंटीना मिल जाएगा और अंदर में आपको वो भी देखने को मिल जाएगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम। और बाकी ORVM की बात करें तो ORVM अपने नॉर्मल हाथ से फोल्ड करने वाले देखने को मिलते हैं आपको, ब्लैक फिनिश में आते हैं, कोई बॉडी पेंटेड नहीं देखने को मिलता, आप इसको हाथ से फोल्ड कर सकते हो। थोड़ा नए हैं तो टाइट होता है, तो नई चीज़ अब तो थोड़ी ऐसी होती है, धीरे धीरे ढीली होती चली जाती है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ठीक है साइड के, तो मतलब ठीक है, अच्छी क्वालिटी है, इतनी भी कोई घटिया नहीं है। और बाकी यार इसका मैं इसका बोनट में ज़रूर देखना चाहूँगा। सबसे पहले अगर चाबी की बात करें तो चाबी आपको एक ऐसी अपना देखने को मिलती है टिपिकल मारुति की, और एक नॉर्मल देखने को मिलती है, क्योंकि भाई आजकल मार्केट में जो है अपना उसकी कमी हो रखी है सेमीकंडक्टर वगैरह की, तो कंपनियां कॉस्ट कटिंग करने के लिए ये सब आपको प्रोवाइड करती हैं। और बाकी इसका बोनट ओपन करने के लिए ये आपको इधर स्विच दिया गया है, आप इसका बोनट चेक करें, क्योंकि मेरे को भी भाई उत्सुकता है बहुत कि इसका बोनट आखिर छोटी सी गाड़ी का कंपनी ने कैसे मैनेज किया है और उसका कितना कुछ वेट आपको देखने को मिल जाता है। ये आप देखो तो वेट भाई ना के बराबर तो नहीं कहूँगा, लेकिन कम है, काफ़ी कम है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें ठीक है भाई, ये भी डिसेंट देखने को मिलती है यार, इतनी भी घटिया नहीं है, तो इसमें तो अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन अब क्योंकि जब बड़ी गाड़ी की बात आ जाती है ना तो बड़ी गाड़ी में फ्लिमजी हो जाता है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी सेम होती है ना। आप देखो अब अगर आप स्टील का ग्लास यूज़ करते हो, भाई स्टील का ग्लास आप किसी बड़े उसमें लगा दो तो वो कैसे दबेगा, तो वो सेम क्वालिटी से यूज़ करती है मारुति, इतना फ़र्क है बस। और बाकी इंजन अच्छा मैनेज किया गया है, पेट्रोल में ही आती है अब तो मारुति। और ये चीज़ भाई मेरे को ये चीज़ बहुत इसकी इंजीनियरिंग ख़राब लगी, तो आपको बोनट पे क्यों लगाना है यार बॉस, तो ये चूहे वो है कि इंडिया में वैसे ही बहुत समस्या है, तो आपको ये अंदर लगाना चाहिए था, यहाँ पे इधर की तरफ अंदर लगा देते आपको क्या चला जाता। और भाई ये थोड़ा ना ये इसका डर लगता है कस्टमर को, फिर बदलवाते फिर इन सबको, तो ठीक है यार कोई नहीं, कंपनी की इंजीनियरिंग है उनको क्या कह सकते हैं। तो बाकी ये आप देखो ये इतना मतलब हल्का है तो ये बंद भी नहीं होगा, और बाकी मैं एक बार इसको ढंग से अगर मार के बंद करूं तो ये ऐसे अपना बंद हो जाएगा। और बाकी अगर इसकी बात करें अंदर की तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इधर चाबी देखने को मिल जाएगी, एक चाबी का स्लॉट आपको दूसरी साइड पे नहीं देखने को मिल। और बाकी अंदर सीट्स की अगर बात करें तो डबल टोन में आपको डुअल टोन में देखने को मिलता है, थोड़ा ग्रे सा एक टच देखने को मिलता है। और बाकी पीछे अगर करें तो स्पेस के मामले में चेक करते हैं कि कैसा कुछ देखने को मिलता है सिस्टम। और पावर विंडो भाई इसमें देखने को मिलती है, आगे तो देखने को मिलती है, पीछे देखते हैं, पीछे नहीं है भाई, पावर विंडो पीछे देखने को नहीं मिलती। और बाकी यार गर्मी बहुत हो रही है, उमस सी हो रही है गाड़ी में ना, ठीक है। और बाकी ये आप देखो अपना नॉर्मल इधर डोर में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, पतले से डोर देखने को मिलते हैं, प्लास्टिक क्वालिटी डिसेंट है, ये थोड़ा ये चीज़ ख़राब है, ये भाई ये थोड़ा यहाँ का ऊपर का ना हिस्सा थोड़ा ज़्यादा ही ढीला दिया गया, आप ये देखो कैसे दब रहा है, ये थोड़ा बेकार देखने को मिला। और ये देखो यार ये देखो क्या कर रखा है ये भाई, थोड़ा ज़्यादा ही लगा देते यार, कुछ तो अच्छा लगा देते माल, साइड से देखो ये खुला पड़ा। अरे यार मारुति यार इन चीज़ों पे काम करो करो यार करो, आपके प्रोडक्ट लेना जनता बहुत पसंद करती है, इन पे काम करोगे तो अच्छा रहेगा। आपकी भाई इमेज खराब होने लगी है मार्केट में धीरे धीरे। ग्लव बॉक्स भाई ये देखो बिल्कुल ऐसे लटक सा रहा है नीचे, ये देखो इसमें कुछ एक तो क्वालिटी थोड़ी ऐसी सी है, ओ भाई बहुत हल्का है यार ये तो, ये देखो आप ये देखो ये बहुत हल्का देखने को मिलता है। और बाकी ये एयरबैग की अपने सेपरेट एक यूनिट दी गई है। और अब आपको अगर चाबी की बात करें भाई, चाबी इसमें इंसर्ट करके
दिखाते हैं आपको, स्टीयरिंग अनलॉक करता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये देखो स्टीयरिंग अनलॉक कर दिया, स्टीयरिंग भाई हल्का है, हल्का है यार क्योंकि टायर पतले हैं, तो ऐसे ही देखो इतना इतना चौड़े टायर के साथ पंजाब से निकलता हूँ। हाँ तो ये देखो, ये आपको इधर दरवाजा बंद नहीं करोगे तो आपको बीप कंटिन्यूस सुनने को मिलेगी। और ये जो अपना एस्प्रेसो आती है उसी का आपका मीटर इधर चेप दिया गया है, आपको डिजिटल मीटर है, सेमी है, सेमी डिजिटल ही कहूंगा इसको, क्या मतलब सेमी तो नहीं, खैर पूरा ही डिजिटल है, बस आपको इसमें टैकोमीटर देखने को नहीं मिलेगा, स्पीड देखने को मिलेगी वो भी डिजिटल में देखने को मिलेगी। और बाकी अपना नीचे इधर एक बटन दिया गया है, आप ये देखो इसको टॉगल करने के लिए कि क्या क्या आपको मिलेगा इसमें रेंज, देखते हैं क्या क्या मिलता है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया, हाँ एवरेज है, ठीक है रेंज है, ठीक है तो वही फीचर आपको मिलते हैं जो मतलब एक बेस वेरिएंट में आपको मारुति के देखने को मिलते हैं। और बाकी लो फ्यूल की वार्निंग आपको इधर दिखाता है, तो ये बढ़िया चीज़ है, तो ये इंफोटेनमेंट भी अच्छा दिया गया है। बाकी मैनुअल एसी देखने को आपको मिल जाता है, नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा और यूएसबी के पोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, यूएसबी का और ऑक्स का पोर्ट आपको अंदर देखने को मिल जाएगा। गियर लीवर अपना मैनुअल है, गाड़ी मैनुअल है भाई क्योंकि तो ऑब्वियसली यही होगा। और बाकी अंदर आपको ये जो है मैनुअल हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगी, क्वालिटी ठीक है यार, अच्छी है मतलब ठीक है, यहाँ का प्लास्टिक थोड़ा, अब आप देखो प्लास्टिक क्वालिटी सेम है, ठीक है आपने छोटे एरिया में लगाया तो ये कम दबने लगा, यहाँ देखो यहाँ कितना दबेगा, तो यही फर्क आ जाता है भाई। और बाकी अगर IRVM की बात करें तो IRVM आपको डे नाइट एडजस्टमेंट वाला तो नहीं मिलता भाई, नॉर्मल ही आपको देखने को मिलेगा, तो ये भाई एक नुकसान है भाई, ये तो गलत चीज़ है, मार्केट से आप लगवा सकते हो, खैर चेंज करवा के तो थोड़ा उसमें मोटा आपको खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन यार चलो कोई नहीं। आप ये देखो ना, जैसे यहाँ पे ये है, आप इसे ऊपर करते हो तो आपको नहीं मिलेगा, तो आपको ये रात में भाई दिक्कत हो जाएगी इस चीज़ की वजह से। और बाकी इधर भी मिरर अपना देखने को नहीं मिलता शेड के लिए, और बाकी इधर भी मिरर नहीं देखने को मिलता, पेपर वगैरह कुछ पड़े हुए हैं। और बाकी चलो इन्हें बंद कर देते हैं, इधर एक माइक देखने को मिलता है, लाइट देखने को इधर मिल जाएगी आपको, और बाकी स्टीयरिंग व्हील अपना ऐसे देखने को मिल जाता है, छोटा सा प्यारा सा लग रहा है, सेम वैगनआर का स्टीयरिंग व्हील है। टेलीफोनी कंट्रोल इधर देखने को मिल जाएंगे, इधर इंफोटेनमेंट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, और बाकी विंडो के स्विचेस जो हैं वो इधर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप ये देखो तो दो ही पावर विंडो मिलती हैं देखने को, सेपरेट स्विच ना देने पड़े इसलिए कंपनी ने यहाँ पे ही दे दिया, और बाकी लिंक ना करना पड़े इधर उधर, तो ये कंपनी ने इधर ही दे दिया। चलो भाई कस्टमर का भी काम हो जाए और हमारा पैसा भी बच जाए और कस्टमर को भी एट द एंड सस्ती में ही मिल जाए। और बाकी आप मिरर जो है ORVM अपने यहाँ से स्टिक से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से अब गाड़ी छोटी है जैसे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए एडजस्ट करने में। और बाकी सीट की एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो भाई यार इसमें हाइट एडजस्टमेंट कहाँ से मिलेगी, आप गलत गाड़ी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि भाई ये सिर्फ गाड़ी है, उसके अलावा इसमें आपको फीचर एक्सपेक्ट आप मत ही करो तो अच्छा। और भाई ये देखो आप, ये इसमें भाई सारे पेच वेच जो हैं बाहर से ही दिखते हैं, तो इतना भी कवर करने का जहमत नहीं उठाई कंपनी ने, चलो यार कोई नहीं फिलहाल। और बाकी इधर आपको ये स्पेस देखने को मिल जाएगा, अभी इधर कप रखो कुछ रखो, और बाकी इधर आपको कप होल्डर देखने को मिल जाएंगे, इधर भी एक अपना फ़ोन वोन रख, भाई ये तो बहुत दूर है यार, इसमें कौन ही रखेगा यार, झुक के बंदा फ़ोन यहीं रखेगा, एक बार मैं एडजस्ट करके देखता हूँ कि कैसा कुछ आता है। बाकी यार हाइट के हिसाब से ठीक है यार, चलो यहाँ पे ये भाई आपको इसके लिए ना झुकना पड़ता है, आप ये देखो मैं आपको अगर दिखाऊँ रख के तो ये आपको, ये देखो आप, ये आपको इतना झुकना पड़ेगा, ये इतना आपको झुकना पड़ेगा ये, तब जाके आप कहीं रख पाओगे, या तो आपके हाथ भाई ऐसे मशीनरी वाले होने चाहिए, तो आपको इधर से कुछ भी उठाने के लिए कुछ भी करने के लिए आपको झुकना तो पड़ेगा ही, तो ये स्पेस ज़्यादा जो है ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और बाकी चलो भाई इतना ही कुछ है आगे तो, और AC के वेंट्स अपना इधर देखने को मिल जाते हैं, ये इधर अपना आ जाता है, और बाकी बस भाई यही कुछ है। एक बार मैं गाड़ी आगे कर लेता हूँ फिर आपको उसके बाद उसकी बूट भी दिखाता हूँ कि बूट में अपना क्या कुछ देखने को मिलता है। तो भाई इसमें तो पेट्रोल भी मेरे ख्याल से नहीं देखने को मिलता, पेट्रोल भी नहीं है भाई इसके अंदर, तो आपको पेट्रोल है ही नहीं तो क्या ही आगे करूँगा मैं गाड़ी को। चलो कोई नहीं यार, बूट आज रहने देते हैं, बाकी यार ये आगे पीछे तो वैसे हाथ से ही हो जाएगी लेकिन मैं करना नहीं चाहता भाई, पता नहीं ना स्लोप है क्योंकि इधर अब गाड़ी आगे पीछे कहीं इधर उधर चली जाए तो भाई वो मेरे मत्थे फट जाएगा कि भाई आपने गाड़ी ठोक दी, अब हम पे तो इतना है नहीं। खैर चलो कोई नहीं, मैं आपको एक बार पीछे की स्पेस दिखा देता हूँ, आगे की एडजस्ट कर लिया अपनी हाइट के हिसाब से, अब पीछे भाई वैगनआर जितनी तो स्पेस नहीं मिलेगी, लेकिन यार चेक कर लेते हैं, 5 feet 5 inches हाइट है मेरी, ठीक है यार स्पेस ठीक है यार, इतनी तो I10 में पुरानी देखने को मिलती थी क्योंकि हमारे पास पुरानी I10 थी, ठीक है यार उस हिसाब से तो। और बाकी इधर एक ही स्पेस देखने को मिल जाती है, आप इधर बॉटल रखो कुछ भी रखो, दरवाजों में तो भाई क्या ही मिलेगी, पहले इतने पतले दरवाजे हैं। और भाई सीट अपना बिल्कुल बेंच फोल्डिंग देखने को मिलती है, कोई भी अपना हेडरेस्ट वगैरह जो है वो आपको एडजस्टेबल देखने को नहीं मिलेंगे। और बाकी पार्शियल ट्रे इधर आपको मिल जाती है, बूट यार मैं कैसे ही दिखाऊं यार आपको, आगे गाड़ी तो मैं कर नहीं सकता, चलो कोई नहीं। और बाकी सीट इधर स्पेस नहीं मिलेगा, और बाकी इधर आप नॉर्मल आपको मैनुअल विंडो एडजस्टिंग देखने को मिल जाएगी। और बाकी चलो यार एक बार आप पीछे से लुक देख लो ऐसा कुछ आ जाता है। और बाकी आप इधर शोरूम की अगर बात करें तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में खड़ा हूँ मैं फिलहाल, ये SK यूनिवर्स
एसके यूनिवर्स पे मैं बुलंदशहर में इस समय खड़ा हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। और बाकी नेक्सा भी है और बाकी अरीना भी है, ट्रू वैल्यू भी आपको यहाँ पे एक्सचेंज वैल्यूज वगैरह सारी देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड करते हैं, साइड से आप एक बार फाइनल लुक ले लो और बाकी देखो आपको गाड़ी कैसी लगी, पसंद आई तो कमेंट्स करना और बाकी वीडियो शेयर करना और बाकी कॉन्टैक्ट्स तो आपको दे ही दूंगा मैं, ठीक है भाई। अगर आप ये इसका प्रोफाइल वगैरह सारी तो गाड़ी की तो मैंने आपको बता दी, साथ में आप इसका एक बार एम्बियंस भी चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, सारी आपको कार्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। ये फिलहाल अरीना पे हूँ मैं, नेक्स्ट अभी आपको देखने को मिलता है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट वगैरह मैं सारा प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। अरीना आप इधर देख लो, अंदर कैफे वगैरह आपको देखने को मिलता है, एक्सेसरीज का एक डिपार्टमेंट देखने को मिलता है, आप सारा चेक कर सकते हो। और बाकी चलो वीडियो पसंद आया तो शेयर कर देना और बाकी आप ये देख लो, एसके यूनिवर्स में फिलहाल मैं खड़ा हूँ बुलंदशहर में, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मयूर जी का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है भाई, थैंक यू।